तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के 9:30 बजने वाले हैं, मतलब 10 बजने वाले हैं, ठीक है। तो हम सो के उठ गए थे, लेट हो गया आज हमको, डेली लेट हो जाता कोई नहीं। तो बारिश आज हमने देखा, बारिश बहुत तेज हो रही है बाहर, तो कोई काम तो वैसे होने वाला नहीं है बाहर का। और चीनी भी नहीं, चाय भी नहीं उन्होंने बनाई, तो बैठे बैठे उन्होंने कहा मूँगफली छील लेते हैं, तो इसलिए मूँगफली वाला की छील है और इसको हम बाद में खाएंगे, ठीक। तो अभी आज अलमारी साफ करनी है क्योंकि उसमें कपड़े बहुत सारे हो गए और बाहर रखने की बिल्कुल जगह नहीं बची है, इसलिए उसको साफ करना पड़ेगा। इस वजह से चलिए वहाँ पर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अभी तो थोड़ी बहुत अभी पराठा और सब्जी बनी है, वही खाएंगे, उसके बाद दिखाएंगे आपको, ठीक। उसमें चाय के टीवी खोल के बैठ जाती है, इसको देखो मनवा को, और सब लोग टीवी खोल के बैठ जाती है। वो देखो बारिश कितनी तेज हो रही है। इतने सारे कपड़े सिर्फ नीचे के निकले हैं, अभी ऊपर के नहीं निकले हैं, और उसके बाद इसके ऊपर के यार क्या करे, इतने सारे कपड़े हैं और बस कोई भी कपड़े पहनने लायक नहीं है अच्छे हमको लग रहा है। चलो देखते हैं। देखो फ्रेंड, मैंने कितने सारे कपड़े निकाले, देखो मैंने कितने सारे कपड़े निकाले हैं, और अब देखो क्या होता है। इतने सारे कपड़े अलग अलग रखेंगे क्योंकि उसमें आ नहीं रहते, अब उसमें तो कम भी करेंगे, ख़त्म करेंगे, और देखते कितने कितना टाइम लगेगा इसमें। ये मिला था हमको बर्थडे पे, ठीक है। तो 26 मई को मेरा बर्थडे था, अभी तक की मैंने इसको खोल के नहीं देखा, ये क्या सीन है, कैसा है। और हमको तो लग रहा है ये बिल्कुल अच्छा लग रहा है ना? आप लोग बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है ये। इसका वो कहाँ गया मम्मी? क्या इसका पजामा तो खो गया? सूट कैसा लग रहा है? ये कलर और कोई होता तो और अच्छा लगता शायद। कौन सा कलर होता वैसे? कलर नहीं क्या, अच्छा लग रहा है। एक मम्मी जो मम्मी हम लोग लाए थे वाले दिखो जाए ना। मम्मी ने मतलब कि हाथ दे, हम लोग ने सिर्फ अलमारी खोली थी, उन्होंने बक्सा भी खोल दिया। एक हम लोग ये लाए थे, इसमें दाना कौन सा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो एक सूट ये है, ये एक सूट ये नॉर्मल ऐसे ही है, लेकिन इसका दुपट्टा देखिए, अरे नेट में है पीछे भी है। एक दुपट्टा ये भी है इसका, इधर दिखा, ये देखो ये एक दुपट्टा ये है। हमको ये वाला बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। अभी एक और दिखा रहे हैं, क्या करूँ, क्या करनी पड़ेगी, क्यों, अरे अभी चिल्लाएंगी, कौन चिल्लाएंगे। अच्छा हमको सबसे अच्छा ये वाला लगा था, ये अमीनाबाद से खरीद के लाए थे, कितने का था, 500 रुपए का था। ये सबसे ज्यादा बढ़िया लगा एक ये वाला, ये भी अच्छा लग रहा है, लेकिन हमको सबसे ज्यादा भाई अच्छा लग रहा था। भरा क्या ये कपड़ा, क्या अच्छा, ये भी अच्छा लग रहा है, लेकिन हमको वाला ज्यादा अच्छा लग रहा था। ये भी आया था 500 का, लेकिन हमको बहुत दोनों अच्छे लगे। अमीनाबाद से अगर कपड़े खरीदो तो बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वहां पे सूट वगैरह बहुत बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं। कौन सा हीरो है? वो है सिद्धार्थ मल्होत्रा। सिद्धार्थ मल्होत्रा है, सिद्धार्थ नाम है शायद। यार इसमें यहाँ पे तो ये निकाल निकाल के लगता लग गया। हाँ यही है। तो अभी रुके और दिखाते हैं, मम्मी को देखो, मम्मी को, मम्मी दिखा जा। अरे स्वेटर आधे अगले निकाले, ये आधे अगले स्वेटर निकाले जा रहे हैं। मेरा था, बताओ मेरा किसका था? ये मेरा था स्वेटर, मेरा था, शिवांगी का था। किसने का? शिवांगी का था, मेरा था। ये इसका भंगिल का था, मेरा स्वेटर था। अब वो छोटा हो गया तो हम आधे को दे देंगे, क्योंकि वो हमारे स्कूल में पढ़ती है और मेरे होता नहीं है। ये तुम पहनोगे? ये देखो नहीं, और ये वाले सारे दे दोगे क्या? आधा को, एक आधे को दे, आयुष को दे दो, आयुष के पास तो आधे का हो जाएगा ना, वो बड़ी हो गई है। अच्छा हाँ, हो जाएगा ना, निकाल ना खुशबू के साथ पहने। ये सिर्फ हम 2 साल पहन पाए थे, फिर हम बड़े हो गए थे। मेरी हाइट इतनी बड़ी क्यों हो गई? मेरी हाइट बहुत बड़ी हो गई है, जब मैं नर्सरी में लिया था। तो नर्सरी में 8th क्लास में आ गई हो? हाँ तो अच्छा लग रहा है। तो कैसा लगा स्वेटर? तो अच्छा नहीं लगा होगा, मेरे सूट बहुत अच्छे लगे होंगे। तो अभी हम लोग ये देखो, पूरा मम्मी ने कैसे फैला के रखा है कमरा, देखो
ये हमेशा हर गर्मियों में होता है और हर सर्दियों में, मतलब जैसी गर्मी आती है तब भी ये बिल्कुल ऐसे फैलाना पड़ता है और जब सर्दी आती है तब भी ऐसे फैलाना पड़ता है, क्योंकि जब सर्दी कपड़े निकाले जाते हैं तो गर्मी के रख दिए जाते हैं और गर्मी के निकाले जाते हैं सर्दियों के रख देते हैं, इसी वजह से ऐसा कुछ होता है। जो कि बक्से में अब जगह बनाई जाती है, बनाई जा रही है, क्योंकि सारे कपड़े जो निकले रखे हुए हैं उनको उसमें भरना है। देखो इतने सारे तो निकले रखे हुए हैं, उसको देखो ये मारा की जगह है, उसे में डाल देना। दूसरी ले ही है। मम्मी क्या ख्याल है तुम्हारा? अरे तुम रखो। अरे मैं तुम फोड़ दो। मम्मी दूसरी ले फोड़ो। नहीं फोड़ दे। हां फोड़ दे। नहीं पता चले कितने हैं। नहीं फोड़ दे। एक दो तीन। अरे मम्मी को पता है मुझे फोड़ देगा तभी वो। मम्मी को पता है जाके फोड़ जाके चले। मम्मी ने मारा किसको? मम्मी का क्या नाम? हट मिट्टी खाने लगी। मम्मी भैया बहुत कुत्ता है, कुछ कर भी नहीं पाता छोटे और मुझके हो गया कपड़ा। हटे जानवर हटे। अब पापा को दे रही है अब मम्मी साफ करेंगी फिर पूरा। है मैं अब तुम्हें साफ करना है। हम लोग करेंगे, हम लोग तो मिले। मम्मी देख बक्से में गुल्ला खाती 90 रुपए के वाली लियो में बहुत बड़ी। तुम बर्बाद क्या हो गए? लामे में डाल दो यार, डाल दी दवाई में। नहीं मोर गलत बात है, कोई गोला फूल हो तो कोई के क्या है? किसी आ गए हम भी। मम्मी तो तुमको कैसे लग रहा है बताओ? मम्मी लग रहा हूँ तो लग रहा हूँ, क्या करियो सीधे दिखाए तो दिखाओ। मम्मी कैसे लग रहा है तुमको? अब सही लग रहा हूँ। कहाँ सही लग रहा बताओ? बेचारी मम्मी चेहरा दिखाओ यार तू। मम्मी दिखाओ कैसा लग रहा है? अब सही लग रहा हूँ, देख रही कितने रुपया है। दस कुछ नहीं, 10 लाख ज्यादा होंगे। तुम्हारा बस? हमारा तो हमने फोड़ी थे। कहना है कि 11,000 है, इसका पेट को पता नहीं क्यों दर्द होते तक। मम्मी कह रही है कि 11,000 है, कितने पता नहीं, देखो गिनो। 11,000 है, देखो तुम गिनो। वो 500 कपड़ा बता रहे 100 रुपए का है गीला। ले ये गाड़ी लेंगे, गाड़ी ये इसको क्यों दे रही हो जानवर को? क्यों मम्मी हो रही है? 20-20 के हैं, कमाती हूँ का है। ला मैं 100 रुपए ये रखो। मम्मी इसको किस लिए दे रही हो? कन्या। अरे मम्मी इसको किस लिए? लो सारे, लो सारे मार दो। बाहर लिया तुम पूरा, मम्मी आंख मारती बाद में देंगी। मम्मी सारे लो, सारे मटका लेने के लिए देखो। अरे ले आओ कुछ बांध दे। अरे यार जितने भी दीदी के आए सैलरी सब उसी में भरो। मेरे पास ले आओ गाड़ी लो। तो मैं जाए 5-5 रुपए डेली खाती है ये तो 5 रुपए बहुत बन जाएगा हमें पता है। क्या हो गया मुझ पर? फिर कपड़े निकाले अपने पुराने पुराने। आगे कौन सा तार चला गया उसके पास? किसी आ गया, किसी आ गया। इसको ना छोड़ने जाना भैया। किसी आ गया। एक वो दीदी देखो। ये मेरे कपड़े होता है। तो जो तुम्हारा वो मेरा, जो मेरा वो मेरा ही है। मरा ही हम मार देंगे। मेरा है मोटी फट जाएगा वो, मोटी फट जाएगा वो। ओ इतना सारा भर गया, वो दब गया। कहाँ से पहना है यार? नीचे वाला है, ऊपर वाला है, नीचे। इतनी बड़ी गर्दन किसकी होती है? मोटी की। भाई देख क्या चल रहा है। किसी आ गया बेचारा।
क्या था, मैं इसमें कपड़ा रख के कौन जा रहा बहुत ज्यादा किसी आगे बहुत ज्यादा। तो ये सब करने के बाद हम गए थे शूट पे, शूट पे बारिश ही हो रही थी यार, तो इसलिए बन नहीं पाई, हमने गुस्सा आया था इसलिए हमने ब्लॉग भी नहीं बनाया। फिर उसके बाद गए थे पढ़ाने के लिए और आंटी ने एक चाय दिया के है, उसके बाद मतलब कि इसको हम पढ़ा रहे थे, पता नहीं आंटी को लगा ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और मौसम भी अच्छा था, उन्होंने तो पहले तो अभी एक ही चाय दी थी है, फिर उसके बाद दीदी आई है उन्होंने फिर चाय और पकौड़े दोनों साथ दे दिए। वो ये समझ में नहीं आया यार, एक बार मतलब कि एक घंटे में हमने दो बार चाय पी, बल्कि हम पीते भी नहीं है इतनी ज़्यादा चाय, और ये शौर इतने प्यार से पढ़ रहा था, ये मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मुझे बहुत ज़्यादा चक्की उठ भी लगता है ये। हाँ, और ये देखिए आंटी ने दिया के चाय और पकौड़ी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। यहीं पे करते हैं ब्लॉग एंड, अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाय बाय।